सीतापुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी दरअसल बिस्वा से सिधौली मार्ग के चौड़ीकरण के रूप में आई है। शासन ने इसके लिए पैसा स्वीकृत कर दिया है और इसके लिए पिछले दिनों सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने एक पत्र डिप्टी सीएम को लिखा था, जो लोक निर्माण मंत्री भी हैं, जिसके बाद थे उस समय पत्र लिखा था जब पूर्व वाले लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे केशव प्रसाद मौर्य जी, और उसके बाद 42 करोड़ रुपए की स्वीकृत मिली है, जिसके तहत अब बिस्वा से सिधौली मार्ग का चौड़ीकरण और उच्चीकरण हो जाएगा। तो सर इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं यानी आई इंडिया से बातचीत करने के लिए सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा ये है कि आपने जो पत्र लिखा था उस पत्र का शासन ने संज्ञान लिया है, तो इस जिसके तहत सीतापुर वासियों के लिए जो ये मार्ग है कितनी खुशखबरी लेकर आएगा? धन्यवाद पंकज जी। स्वाभाविक रूप से बिस्वा सिधौली मार्ग इतना व्यस्ततम मार्ग है, इसको जब पहले हमने सीआरएफ में बनवाया था तब भी इसका मैंने प्रयास ही किया था कि 7 मीटर बने, लेकिन तत्कालीन जो भी व्यवस्था के अनुरूप वो हो नहीं पाया और उसको 5.5 मीटर ही रह गया। अब वो मैंने तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वर्तमान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के अनुरोध किया था, मैंने पत्र भी दिया था, उन्होंने उस पर आग्रह भी किए थे और उस आर्डर के अनुपालन में अब जाकर के उसकी स्वीकृति मिली है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो 42 करोड़ रुपया जो स्वीकृत हुआ है, ये 7 मीटर चौड़ी सड़क बन करके तैयार होगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी के साथ में हमारा बिस्वा सिधौली मार्ग का फ्लाईओवर भी स्वीकृत है, वो भी बन जाएगा, तो ये बहुत अच्छा रास्ता लखनऊ के लिए खुलेगा, ये अच्छा है और पब्लिक को इसकी अनुभूति भी होगी, सुखद अनुभूति होगी। बिल्कुल। तो सांसद जी ये जानना चाहेंगे कि ये माना जाए, आपने पत्र में इसका उल्लेख किया था, ये जिले का प्रमुख मार्ग है जो 5.5 फीट का था, अब वो 7 फीट का हो जाएगा, और एक ओवरब्रिज की भी बात आपने की है, इसके बाद जो सबसे बड़ी जिले की तहसील मानी जाती है बिस्वा, तो बिस्वा से राजधानी का मार्ग सुगम हो जाएगा और जो जाम की स्थिति है, जो दुर्घटनाएं होती थी, उसमें कहीं न कहीं अंकुश लगेगा और उससे निजात मिलेगा लोगों को। निश्चित रूप से दुर्घटनाओं से भी निजात मिलेगा, ट्रैफिक सुगमता से चल सकेगा पंकज जी, और ये 2 लेन रोड हो जाएगी, जब 7 मीटर हो जाएगी तो 2 लेन इसको हम कह सकते हैं डिवाइड हो जाएगा, और ये फ्लाईओवर बन जाने से जो बिस्वा का जो मार्ग जाम में फंसा रहता था उससे भी निजात मिलेगी, तो दोनों बड़ी समस्याओं से जनता को छुटकारा मिलेगा, जनता में बेहद खुशी है। और संयोग से मैं अब बिस्वा की तरफ ही जा रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों से भी बात करूंगा कि आप लोगों को सौगात मिली है, इसके इसको आप सबको बधाई हो, ऐसा करके मैं उन लोगों से विश करूंगा भी। बिल्कुल, धन्यवाद। होली में बधाई दुगनी हो जाएगी। ये मार्ग आपको बता दें कि दरअसल ये बहराइच तक भी जाता है, तो जिस वजह से इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी होने लगा था, ऐसी स्थिति में ये बड़ी सौगात लेकर आया है। और सीतापुर के सांसद अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन राजेश वर्मा ने पिछले दिनों जो पत्र लिखा था वो हम स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं कि वो पत्र जो तब के जो लोक निर्माण मंत्री और मौजूदा समय में इस समय डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए लिखा गया था, वो पत्र की कॉपी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें इसका जिक्र किया था, जिसके बाद शासन ने 42 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। उस पत्र को भी दिखाना चाहेंगे जो स्वीकृति जारी हुई है, तो बहुत जल्द ही ये सीतापुर वासियों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। फिलहाल सर आपने जानकारी दी आई इंडिया से जुड़े सांसद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।